तुझे निजे मुंह ढोकाते अभी टाइम हो रहा है 6:48 और जस्ट मेरे पीछे है झांसी होटल। हम अब बाहर ही खड़े हैं, सारा पेमेंट वेमेंट करके हम निकल रहे हैं। टारगेट 6 बजे निकलने का था बट 5:30 बजे का अलार्म भी लगा, थोड़ा डिले हो ही जाता है। रात को तूरिया ठीक से सोई नहीं और आज हमें 20 घंटे, हमें नहीं प्रतीक को ड्राइव करनी है, तो जल्दी थोड़ा टारगेट करेंगे तो सही रहेगा। तो अभी हमने स्टार्ट किया है, चलिए चलते हैं। यहाँ पे हम ऑयल रिफिल कर रहे हैं, यहाँ पे कार्ड नहीं चलता है, ये एक BPCL का पेट्रोल पंप है। सो UPI से पेमेंट कर रहे हैं, सो इसके बाद जो भी पेट्रोल पड़ेगा सब एक्सपेंसिव, तो यहाँ से जितना भरा जा सके। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि आज का दिन हमारा बहुत बहुत बड़ा होने वाला है, 20 आवर की जर्नी। नहीं पता प्रतीक ने क्या सोच के सोचा था कि आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बट आई होप कि हम लोग रात तक घर पहुँच जाए अच्छे से। कल प्रतीक बोल रहा था जब बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में वो 80 से ज़्यादा चला नहीं पाया क्योंकि नाइट था, तो हम आज अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे तो ना जल्दी जल्दी ही इज़ मूविंग द कार, सो जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे, मीन्स ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे अगर एक्सप्रेस वे है तो। सो यही प्लान है हमारा, रात अगर सब कुछ ठीक रहा तो रात 11 बजे तक पहुँचेंगे। एंड टारगेट ये अगर 4 बजे तक नागपुर पहुँच गए तो ये आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना नागपुर में स्टे करेंगे। सो आगे का रास्ता कुछ भी मतलब नया या नो डिफरेंट पता चलता है तो आपको हम बताते हुए अपना जर्नी पूरा शेयर करते हुए चलेंगे। अभी के लिए तो तेल भर रहा है। एंड होटल के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही वेल मेंटेन्ड, एकदम स्टार होटल जैसा होता है। वैसे हम ट्रैवल करते हैं तो वैसे जगह रहते नहीं है, बट हाँ झांसी में ये दिखा था सिटी के अंदर, अननोन सिटी है ना तो थोड़ा ही रहता है, बट वेरी वेरी नाइस। मतलब हमने सुबह चाय भी पी, मतलब उन्होंने नहीं पी बट इलेक्ट्रिक केटल वगैरह थी वहाँ से हमने चाय पी। बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। एंड कभी आप ट्रैवल कर रहे हो तो यहीं पर रहने का सोचना क्योंकि सिक्योरिटी भी ठीक है, खाना भी ठीक है। नैनीताल में हमने 2400 दिया उस घटिया रूम का, अब घटिया भी नहीं बोल सकते क्योंकि नैनीताल जगह ही ऐसी है कि पुराना प्रॉपर्टी हो जाता है तो वैसे ही हो जाता है, बट प्राइम लोकेशन था, पार्किंग थी, तो उस हिसाब से ये इज़ वेरी नाइस। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, खाना भी अच्छा ही था। दैट्स ये होटल के बारे में बताना चाहेंगे। अगर आज नागपुर में रुकते हैं तो उसका भी होटल देखना पड़ेगा, अदरवाइज अपने घर में होंगे हम आज। सुबह सुबह काफ़ी कोहरा था बट फाइनली हमें सन दिखाई दी, तो अभी हम हैं उस पॉट होल वाले रास्ते में। एंड देखिए यहाँ पे अभी स्पीड लिमिट जा रहा है, तो इस रास्ते में कई जगह पे स्पीड लिमिट है तो बी माइंडफुल। टाइम 9:16 और अब हम सागर
क्रॉस मतलब बाईपास से क्रॉस कर रहे हैं। आधे टाइम हम अंदर से आए थे, स्टे था हमारा ऑफ कोर्स। तो अभी सागर पीछे छूट गया और गूगल मैप्स बता रहे 16 hours 23 minutes और किलोमीटर है 914। तो काफ़ी सनी डे हो गया इधर और इधर आते ही गर्मी। जब झांसी से सुबह स्टार्ट किया तो फिर भी वहाँ ठंड थी, अच्छी खासी ठंड थी, बट यहाँ तो काफ़ी गर्मी है और धूप अब एकदम हमारे मुंह पे। दूरिया अभी भी सो रही है। इस रास्ते में काफ़ी शरीफे या कस्टर्ड एप्पल बिक रहे थे, तो ऐसा हमें कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। फाइनली एक जगह हमें मिला और प्रतीक ने गाड़ी रोक ली। टाइम हो रहा है 12, पर अभी वो मैटर नहीं करता। मैटर जो कर रहा है कि अभी हमें बाहर मिल गया है शरीफा, वहाँ पे बिक रही थी। तो मैंने 100 रुपये का पूरा एक प्लास्टिक खरीद लिया, दिखाती हूँ आपको कितना आया है उसमें। वहाँ पे कोई एक गाड़ी रोक के एक अंकल ख़रीद रहे थे, उन्होंने कहा कि ले लो बेटा बहुत मीठा है। तो इतना मैंने ख़रीदा, ये पूरे 100 रुपये के, एंड बहुत पसंद है मुझे शरीफा। तो यहाँ है खेत, चर रही है बकरियाँ, तूरिया भी उड़ गई है तो ये खा रही है यहाँ पे इसका एप्पल। इसके पापा कर रहे हैं थोड़ा रेस्ट। अभी भी हमें 13 hours जर्नी अभी दिखा रहा था लास्ट, अभी यहाँ पर हम थोड़ा रुके हैं। वैसे तो ज़्यादा टाइम मैंने आपको बताया था कि इस रोड में खाने का कुछ भी अच्छा नहीं मिलता, तो हमारा बस फ्रूट से ही चल रहा है, एप्पल बनाना, अब कस्टर्ड एप्पल भी हो गया, और खाने का जितना भी आइटम बचा हुआ था ना, बच्चा कुछ बिस्किट मिक्सचर वगैरह, वो सारा आज ख़त्म करेंगे हम। बस यहाँ पे थोड़ा सा ठंडी हवा खा रहे हैं, तुड़िया को भी थोड़ा बाहर लेके आते हैं फिर हम निकलेंगे। तो मस्त शरीफा मिला है हमें, इतनी मीठी, इतनी मीठी है। करो हो गया तुम्हारा, हो गया। तो ये इतनी मीठी शरीफा है। तो मैंने मैप में देखा एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताने के लिए, ये दुंगाड़िया छपारा करके जगह है, मैं लोकेशन में डाल दूंगी। एक टाटा मोटर्स का उधर शोरूम या सर्विस सेंटर आता है, ब्यूटीफुल। जहाँ से आपने देखा ये बोथ साइड में ग्रीन कलर की फेंसिंग दी हुई है, यहाँ से स्टार्ट होता है पेंच नेशनल फॉरेस्ट। जी हाँ, अभी हम लंबे स्ट्रेच में जाएंगे। अगर हम दिल्ली से टुवर्ड्स हैदराबाद जा रहे हैं तो बाइसन रिट्रीट एक ऐसी जगह है पेंच के अंदर ही, यह आप मध्य प्रदेश टूरिज्म के अंदर से भी बुकिंग कर सकते हैं, यहाँ पे इनकी रिजॉर्ट है। तो ये प्रतीक को दिख गया एंड वी स्टॉप्ड हियर फॉर लंच, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे तो इस रास्ते में कहीं पे भी खाना नहीं मिला था, और जाते वक्त ये अपोजिट साइड में था तो ये हमसे छूट गया था, बट दिस टाइम वी हैव सीन इट। तो मैं ये लोकेशन में डाल दूंगी, पेंच स्टार्ट होते ही ये आपको बाइसन रिट्रीट वहाँ पे मिल जाएगा। सो करेंटली वी आर एट बाइसन रिट्रीट, दिस इज द नेम। लास्ट टाइम जाते वक्त ये हमें मिस हो गया था। सो इट्स अ वेरी यूनिक काइंड, देखिए ये एक पेड़ है, इसमें मंकी फुल है, इन्होंने कुछ जर्मन शेफर्ड पाल रखे हैं। वहाँ पे मुझे एक सफारी की गाड़ी दिख रही है एंड ये पेंच। सो ये पूरा पेंच का फेंसिंग किया हुआ है, अंदर रेसिडेंस भी है। सो आई गेस रात को यहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हो टाइगर वॉचिंग के लिए, जो वाइल्ड लाइफ वॉच करना पसंद करते हैं रात को। सो इट्स वेरी थोड़ा सा डिफरेंस है। हम अभी पेंच के एकदम सेंटर में हैं। अगर मैं मैप का लोकेशन आपको दिखाऊंगी ना, तो एकदम ये दोनों तरफ डेंस फॉरेस्ट है,
सो आई जस्ट वॉन्टेड टू कैप्चर दिस. ये तो अचानक से मिल गया. अभी थोड़ा सा राइस डाल हमने ऑर्डर किया, कुछ प्लेन खाना है. एंड सी, यहाँ से ये मेन रोड है, गाड़ी लगी हुई है, यहाँ पे फेंसिंग की हुई है, कुछ बाइसन रिट्रीट रेस्टोरेंट एंड काफ़ी कुत्ते हैं यहाँ पे, मंकी है. एंड ऐसा वो वाली फील दे रही है. थैंक गॉड ये डे टाइम है. तो अभी आपको मैं अंदर जाके रेस्टोरेंट दिखाती हूँ. सो दिस इज़ द एम्बियंस इनसाइड. पूरे ग्लास का बना हुआ है चारों ओर एंड द टॉयलेट आई मस्ट से वॉज वेरी नीट एंड क्लीन एंड वेल मेंटेन. तो बाइसन रिट्रीट, क्योंकि मैंने कहा ये एमपी टूरिज्म के अंदर आता है, तो जो लोग यहाँ पे रहते भी हैं शायद उनको लंच डिनर करने यहीं पे आना पड़ता है, क्योंकि ये एक इनका बहुत बड़ा किचन था एंड इट्स ह्यूज, बहुत बड़ा एक एरिया में बना हुआ. एंड दिस इज़ द ग्रीन एरिया जो पीछे की तरफ था. सो आप देख रहे हैं वहाँ पे एक गेट है, उसके अंदर से जाओगे तो वो फॉरेस्ट है डेंस. और ये जो कॉटेजेस देख रहे हो यहाँ पे वैसे अवेलेबल है. मैंने कुछ जानकारी ली थी इनसे जो मैं आपको आगे बताऊँगी, बट अभी के लिए आप बस नज़ारा देखें. इनका हर रोज का मेन्यू फिक्स्ड होता है. तो आज के जो मेन्यू कार्ड में था वहाँ से हमने सिर्फ चुना दाल चावल और सैलड, क्योंकि बहुत देरी से हम जर्नी कर रहे थे और हम कुछ प्लेन फूड लेना चाहते थे. तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मेन्यू कार्ड में आज के दिन इनका क्या क्या था स्पेसिफिक. तो जो भी लोग यहाँ पे आ रहे थे यही मेन्यू कार्ड से उनको खाना पड़ेगा, यू नो, और एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं मिलेगा. अरे बाप रे, तो हमने अभी इनसे बात करी तो इन्होंने बताया इनका ये जंगल रिजॉर्ट है. तो रूम नॉर्मल लेंगे तो 4.5, कॉटेज लेंगे तो 5.5, और रात को यहाँ से टाइगर की आवाज़ आती रहती है. और अंदर अगर स्पॉट करना देखना है तो सफारी जाना पड़ेगा, अगर लक रहा तो दिख जाएगा. बट कभी कभार यहाँ पे आती है और आवाज़ भी आती है उसकी. देखिए हम जब आए थे एक दो कार थी, अब पूरा फुल हो गई है, क्योंकि इस रेंज में आपको कहीं भी रेस्टोरेंट नहीं मिलने वाला. फूड डिसेंट था, हमने दाल चावल खाया, इट वॉज गुड, दाल चावल एंड सैलड. तो ये एक एक्सपीरियंस हो गया हमारा पेंच के अंदर खाने का. तो अभी हम निकलेंगे, अभी और 12 घंटे. तो मध्य प्रदेश को कर दिया है हमने टाटा बाय बाय. तो अभी हम महाराष्ट्र स्टेट में एंटर कर चुके हैं. टाइम हो रहा है 3 और अभी भी हमें गूगल मैप्स दिखा रहा है 527 किलोमीटर बाकी है. बट हमारे लेफ्ट में अभी हम, यू नो, अभी हम नागपुर बाईपास से निकल रहे हैं. हमने सोचा यही था कि 4 बजे तक अगर नागपुर आ जाता है तो हम आगे जाने की कोशिश करेंगे, वरना नागपुर में ही स्टे करेंगे. तो अभी तक तो प्लान के मुताबिक 3 बज रहे हैं, नागपुर बाईपास हम क्रॉस कर रहे हैं. तो होपफुली रात 12-1 बजे तक हम हैदराबाद पहुंच जाए. बीच में पेंच के वहाँ मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे हमने लंच किया, तो तभी दिखा रहा था एक्सपेक्टेड टाइम 12:30. तो अभी वो 1 हो गया क्योंकि वहाँ पे हम हाफ आवर तो लगा ही. सो अभी के लिए इतना ही. तूरिया अभी, उसको थोड़ा चावल खिलाया क्योंकि वॉमिटिंग टेंडेंसी रहती है, एक थोड़ा सो रही है. प्रतीक तो काफ़ी टायर्ड होगा, उसके तो 8 आवर्स ऑलरेडी ड्राइविंग चल रही है, आप देख रहे हो. एंड दैट्स इट. चलो चलो, बेसी छाड़ बना, चलो. और बेसी काट बना, हाँ जगह अच्छा लेफ्ट, चलो किटे आवे, चलो.
लिफ्ट जाएगा आज। टाइम इज 5:23 और जस्ट हम एंटर किए हैं तेलंगाना स्टेट में। तो जी हाँ, कल हमने उत्तराखंड क्रॉस किया, यूपी में आए, आज यूपी से एमपी में आए, एमपी से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से अभी हम अपने घर के स्टेट तेलंगाना में आ चुके हैं। अभी गूगल मैप्स दिखाया है और 6:10 और टेंटेटिव 11:30-12 तक पहुँचेंगे। टोटल 349 किलोमीटर्स बाकी है। अभी हमने विराट कोहली की सेंचुरी सुनी बस, और क्या। चलिए, शाम होते होते मतलब रात हुआ नहीं, उससे पहले हम तेलंगाना में घुस गए। अब आदिलाबाद यहाँ से कितनी दूर होगा मैप में देखना पड़ेगा, 30 किलोमीटर्स और हैं। एंड देन होप फॉर द बेस्ट। आज हम ज़्यादा फ्रीक्वेंट ब्रेक नहीं लिया हमने बिल्कुल, जस्ट वो लंच के लिए जो हम रुके थे एंड एक दो टॉयलेट ब्रेक जो प्रतीक ने लिया था, दूरिया ने थोड़ा, बाकी हम और कहीं टाइम वेस्ट नहीं किए क्योंकि आज का हमारा सबसे बड़ा जर्नी था। तो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। प्रतीक, मुझे याद आ रहा था, मैं प्रतीक को वही बोल रही थी कि लास्ट ईयर जब हम यू नो कोडाई कनाल से हैदराबाद वापस आ रहे थे तो हमारा प्लान था कि हम बैंगलोर में रुकेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। प्रतीक को लगा कि बैंगलोर में फिर से रुको, नेक्स्ट डे फिर से उठो, तो चलो डायरेक्ट ही चलते हैं हैदराबाद। तो वो भी हमारा, मैंने देखा किलोमीटर 1046 किलोमीटर था और आज भी लगभग उतना ही है, 1100 किलोमीटर, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। इसके साथ साथ यू नो हमने देखा कि हमने बड़े 4 रिवर्स भी क्रॉस किए। कल हमने यमुना गंगा क्रॉस किया था, आज हमने नर्मदा और गोदावरी। तो या इट्स गोइंग गुड। आपको आगे अपडेट्स देते हुए चलेंगे कितने बजे तक हम घर पहुंचते हैं और बीच में अगर हम कहीं रुकते हैं फॉर डिनर, क्योंकि अभी ना तेलंगाना में आके मुझे वड़ा डोसा की क्रेविंग्स हो रही है, काफ़ी दिन हो गए उसे खाए। अभी टाइम हो रहा है 7:30। हम अभी जस्ट निज़ामाबाद बाईपास से निकले हैं। गूगल मैप्स बता रही है और 3.5 घंटे लगेंगे एंड नाउ इट्स लेस देन 200 किलोमीटर, तो 191 किलोमीटर है टू होम। 3.5 घंटे लगेंगे और हाँ, 11 बजे तक पहुंचने का टारगेट है, बट प्रतीक को थोड़ा सा टी ब्रेक चाहिए, बट हमें कहीं पे भी एक टी का स्टॉल कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे ना पॉपुलेटेड जगह में नहीं मिल रहा। हमने 2 टोल क्रॉस किया, सोचा वहाँ पे कुछ मिल जाएगा बट मिला नहीं। सो नेक्स्ट टोल का वेट कर रहे हैं, कुछ मिल जाए तो चाय वाय पियेंगे, देन उसके बाद और 3.5 घंटे। सो फाइनली हमें एक ऐसा टोल मिल गया जहाँ पे यू नो हमने काफ़ी सारे बसेस एंड कार देखे जो रुक के ऑपोजिट साइड में रिफ़्रेशमेंट ले रही थी, तो मैं और तूरिया कार में ही रुके एंड प्रतीक थोड़ा चाय वाय पी के आया और हमारे लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेके आया। फाइनली हम हैदराबाद के ORR में, अब हम घर के काफ़ी नज़दीक थे। प्रतीक स्पेशली, क्योंकि उसने आज ऑलमोस्ट सुबह 6:30 बजे से अभी तक वो ड्राइव कर रहा था। एंड इसके साथ हमारा उत्तराखंड का ट्रिप आज खत्म होता है। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप यू लाइक इट एंड इससे भी कुछ भी आपको जानना हो तो जरूर मुझे लिखना, मैं कोशिश करती हूँ सबको रिप्लाई करने का। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।